हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने थर्मल प्रिंटर के ड्राइवर को इंस्टॉल किया और पीयूएस सिस्टम के साथ, पीयूएस सॉफ्टवेयर के साथ उसको इंटेग्रेट किया। अब हम बारकोड प्रिंटर के ड्राइवर को इंस्टॉल करेंगे और सिस्टम के साथ इंटेग्रेट करेंगे। चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कैसे होगा। लेजी व्यूअर्स, अब हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब मैं आपको सबसे पहले ड्राइवर इंस्टॉल करके दिखाऊंगा एंड देन फिर मैं जब इंस्टॉल हो जाएगा उसको फिर सिस्टम के साथ, क्विक बुक पॉइंट ऑफ सेल के साथ इंटेग्रेट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ ड्राइवर को इंस्टॉल करने। ज़ेब्रा का प्रिंटर है मेरे पास, TLP2824। इसके ड्राइवर को पहले मैं इंस्टॉल करूँगा। इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी, एक्सेप्ट करना है आपने, यस करना है, नेक्स्ट कर देना है, फिनिश कर देना है। ठीक है, इसका सोर्स मैं आपको बता दूं, गूगल से आप सर्च कर सकते हैं अपना मॉडल लिख के भी, और सीगल साइंटिफिक की वेबसाइट है, आप वहां से भी कर सकते हैं। इंस्टॉल प्रिंटर ड्राइवर पर आपने क्लिक रखना है, प्रिंटर को आपने USB के साथ अटैच रखना है सिस्टम के साथ। इस तरह आपका ऑटोमेटिकली ये सर्च हो जाएगा। नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, उसके बाद यूज बाय डिफॉल्ट कर देना है और फिनिश कर देना है। ये आपका सेटअप कंप्लीट होने वाला है ड्राइवर का, और जैसे ही कंप्लीट हो गया उसके बाद आपको क्लोज कर। क्लोज करने के बाद आप फौरी जाके देखें कि आपका प्रिंटर यानी कि ड्राइवर प्रिंटर का इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो आपने प्रिंटर ड्राइवर में जाना और यहाँ जाके आपने लिस्ट में चेक करना है कि आपका ड्राइवर शो कर रहा है। ये देखें, ये आ गया हमारा, ये ज़ेब्रा LP2824। अब मैं कंफर्म हो गया कि हमारा ड्राइवर इंस्टॉल हो गया। अब हम चलते हैं क्विक बुक पॉइंट ऑफ सेल में और वहां जाके इसको इंटेग्रेट करते हैं। जी, हम आ गए क्विक बुक पॉइंट ऑफ सेल के मेन होम पेज पे। और अब यहां से आपने फाइल में जाना है, फाइल में जाके हार्डवेयर सेटअप विजिट में जाना है, और इधर जाने के बाद आपने बारकोड प्रिंटर क्योंकि आपने इंटेग्रेट करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है टैग एंड लेबल प्रिंटर की। ये वही है बारकोड प्रिंटर की, इसका नाम बस यहाँ पे टैग एंड लेबल प्रिंटर है। इस पर आपने क्लिक करना है। अच्छा, उसके बाद यूज को कह रहा है, दो ऑप्शन दे रहा है, या तो न्यू सपोर्टेड टैग प्रिंटर को सिलेक्ट करें या फिर ऑलरेडी जो इंस्टॉल्ड है। तो हमारा ड्राइवर तो इंस्टॉल हो चुका है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे ये ज़ेब्रा LP2824 जिसको हमने इंटेग्रेट करना है इसको सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, क्या कहना जी, हार्डवेयर सेटअप विजिट कंप्लीट, योर पॉइंट ऑफ सेल हार्डवेयर इज नाउ सेटअप एंड रेडी फॉर यूज। बस अब आपने फिनिश कर देना। ये था इतना आसान सा तरीका बारकोड प्रिंटर को इंटेग्रेट करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।